वेलकम टू कॉमेडी नाइट बचाओ। नाम सोहेल खान, उम्र 30, वैसे 55 है लेकिन टीवी पर बताने से मना किया है। कदकाठी, पहलवानों जैसी बॉडी बिल्डिंग के इंजेक्शन की वजह से। स्वभाव अच्छा लेकिन कान का कच्चा, किसी ने हीरो बोला तुरंत मान लिया। तालियां हो जाए आज के हमारे गेस्ट सोहेल खान और मिक्का पाजी के लिए। कैसा लगा सबको? मिक्का, हम ऐसे दो बंदे हैं आजी जिससे इस बात की खुशी है कि हमारी यहाँ लगने वाली है। You know, comedy nights बजाओ। बजाओ खुद बोल रहे हैं, बजाओ या बचाओ comedy मैं बोल रहा हूँ। मेरे लिए बजाओ ही है। Well, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा शो है और आप सबकी दाल रोटी चल पड़ी। बोलिए बोलिए जितना बोलना है। Well, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, सुदेश जी, भारती। ऐसा बंदा है, इतने प्यार सब मिल रहा है, इनको शुरू तो होने दो। इस शो पे आने के लिए ना बड़े सस्ते सस्ते स्टार मिल रहे थे, लेकिन ये हमारा लॉन्च एपिसोड है, इसीलिए जो फ्री में मिले हम वही ले आए। लेकिन कृष्णा, इस टाइम जी हम लोग अपना दिमाग घर छोड़ के नहीं आए। अच्छा, फ्रंट फुट पे हम भी खेलेंगे। वैसा है बिल्कुल, अभी फ्रंट फुट पे खेलेंगे। हाँ, पहली बॉल पे आउट भी हो सकते हैं। अच्छा। तो मीका जी, सोहेल जी, कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार है आप? यार ये कुर्सी लगा रखा, लेकिन कुर्सी है कहाँ पे? सोहेल भाई, मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार नेशनल टेलीविजन पे मिक्का पाजी कुर्सी कर रहे हैं। मतलब जो बंदा खटिया और बेड के नीचे बात नहीं करता, वो कुर्सी की बातें कर रहा है। सोहेल भाई, ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी ऐसे नीचे नहीं आएगी, इसके लिए वो वर्ड बोलना पड़ेगा। भारती जी, कौन सा? बचाओ। और जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा वो एक ही चीज बोलेगा, बचाओ। सर चले, आप लोग विराजमान। नहीं, 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 नहीं,
ऐसे कैसे चलिए? पहले मैं कृष्णा को बधाई तो दे दूं। किस चीज़ कृष्णा की? बहुत बहुत बधाई हो। किस मुझे बच्चा तो हुआ नहीं। सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर है उड़ के छाती पे लात खाने का। हाँ, क्योंकि तुम ही पहले परफॉर्म करने वाले हो। अच्छा? हाँ जा बेटा, छाती पे तेल मल के आ जरा। चलो 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 चलिए सर, आप थोड़ा उन लड़कियों के बीच में रेस्ट कीजिए। अच्छा मुझे वहाँ जाना है। हाँ जी आओ। सॉरी, क्योंकि आज मुर्गा मैं बनने वाला। सॉरी। तो मीका बाजी, तुसी फिर तैयार हो खातरदारी वास्ते? बिल्कुल जी, मैं रेडी हूँ। आइए सर, ऑल द बेस्ट सर, आपको भी। वैसे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आजकल मार्केट में दो ही चीजें चल रही हैं, म्यूजिक में मीका सिंह और कॉमेडी में भारती सिंह। आपको पता है जब मीका जी का कोई शो बुक करने आता है तो क्या होता है? वही बताने आ रहे हैं कृष्णा जी, सुदेश और सारा। देखिए ऑडियंस, मैं हूं मीका का मैनेजर। क्या कहां जा रही है? अरे मैनेजर हूं, कुछ तो हरकतें मिलेंगी मेरी। साला हंस कह रहे तुम लोग? अरे पहले मैनेजर ही स्क्रीन टेस्ट लेता है, उसके बाद साहब स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। छोटा मोटा मत समझना। खैर हमारे सोहेल भाई, जोरदार तालियां। सोहेल भाई आप तो क्या लग रहा है, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, हाँ आपके सामने हाथ जोड़ेंगे हम। मीका बाजी आज इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। काहे को करे भैया, जब फिल्में हमको रोहित शेट्टी ने देनी, इनके सामने हाथ पैर काहे को जोड़ूं मैं। लेकिन भाई मैनेजर सच्ची बताता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक आने के लिए, जाए जहाँ ये लोग बैठे। पता है सोहेल भाई कितने दिनों से लगे हुए हैं, हमारे मीका पाजी कितनी रातों से लगे हुए हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बॉडी ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी ऑफ वर्क। सोहेल भाई के पास वर्क नहीं है, बॉडी बनाते रहते हैं। और ये हमारे मीका पाजी जो हर बॉडी पे वर्क करते हैं। लेकिन भैया ओवरऑल देखो, फेमस हो गए ना, पहचान तो है कि नहीं, दुनिया जानती है। सलमान खान का भाई, दिलेर मेहंदी का भाई है कि नहीं? ये मजाक होता है। और देखो साला बोल भी कौन रहा है जिसे लोग गोविंदा का भांजा कहते हैं। सोहेल भाई मैंने आपकी पिक्चर देखी जय हो, बाप रे बाप, मजा ही आ गया। मैं सच्ची बता रहा हूं, मतलब उसमें मैसेज बहुत अच्छा था कि थैंक यू मत बोलो, तीन लोग की मदद करो, फिर तीन छह की करेंगे, नौ की करेंगे, बारह की करेंगे, छब्बीस की करेंगे, पचास की करेंगे, ऐसा सब था ना। थिएटर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पहले एक निकला, फिर तीन निकले, फिर छह निकले, फिर नौ निकले, फिर छब्बीस निकले, फिर पचास निकले। अरे हंस क्या रहे हो, पिक्चर खत्म होती लोग निकलते नहीं क्या थिएटर से? बढ़िया पिक्चर बनाई, जोरदार तालियां बजाओ। मैं हूं मीका पाजी का मैनेजर और इनकी सारी FIR मैं ही संभालता हूं। अक्सर मैनेजर लोग जो होते हैं ना एग्रीमेंट संभालते हैं, लेकिन ये बंदा काम से ज्यादा लफड़े करता है तो FIR संभालनी पड़ती है।
खैर मैं अपने मिक्का पाजी को बुला लेता यार। मिक्का पाजी कहाँ हो तुसी? मिक्का पाजी, अरे हाँ मिक्का। ओ दिल में बजी गिटार। मैं मजाक उड़ा, मैं गिटार मुंह पे मारनी दिल पे नहीं। ओ देखा जो तुझे या डिंग तुझे कटिंग। ओ मैं माँ पैन माँ पैन। ओ देखा जो तुझे या बुंगी बजा के। ओ ये बताना पड़ता है कि ये सारे गाने मैंने गाए, नहीं तो आजकल सलमान खान भी गाने लगे हैं, क्रेडिट ना ले जाए। उनका तो मुंह हिलना है, जोर सारा हमारा लग जाता है। ओ माँ पेन माँ पेन। अरे बुरा मत मानिए, ये रियाज कर रहे हैं गालियों का। ओ 12 महीने से 12 तरीके से 12 लड़कियां पटाऊंगा मैं। और सर जी मैनेजर साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बड़े बहुत बड़ा फार्म हाउस है अपना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारे पाजी मजा लेते रहते, एंजॉय करते रहते। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं साहब के पास इतने सालों से काम कर रहा हूँ, दिल के बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी। इनको सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है, एक हमर और चार पतली कमर। खैर आपसे एक बात पूछनी थी, आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूमते हो हमर, फिर रिक्शा जैसी दिखने वाली राखी की आपने पप्पी क्यों ली? बात हो गया, लोग मेरे को ऐसे गलत समझे हैं। पप्पी की मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ। वो बस मेरा थोड़ा मन था। हाँ? एक मिनट यार बात सुनो। छोड़ो यार। नहीं मैं क्यों पप्पी ली? मतलब क्या, अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मीका छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाता। मेरी बात सुनो। अरे एक मिनट, हंस क्या रहे हो तुम लोग? ऐसा चलता रहा ना फिर बहुत बड़े बड़े केस होंगे सर जी। ओ यार तू क्या केस होंगे यार, ऐसे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा छोड़ के चला जाएगा तू? मेरे एहसान भूल गया तू क्या? मैंने तेरी बीवी की जान बचाई थी कमीने। और चलो जाऊंगा। हाँ सोहेल भाई, मेरी बीवी की जान बचाई उन्होंने। मेरी बीवी बाथरूम में फिसल गई, वो तो शुक्र है इसका ये उस वक्त बाथरूम में मौजूद था। कर लिया, बच गई वो। अब देखना कि तेरा बेटा गाना भी कितना अच्छा गाता है। नहीं बात यार क्या आते ही यार, ये क्या बातें शुरू हो गया तू आते ही। ओए यहाँ नहीं, बाहर जाके करके यार। मेरा फोन वाइब्रेशन। हेलो। हाँ जी मैडम। ओ मैडम आप बार बार मत फोन कीजिए, समझिए आप। लो किसका? हाँ आप भी हमारे साहब के पीछे थी, हो गया तो हो गया। अरे किसका यार वो? पुलिस कंप्लेंट। नहीं हुआ क्या? करनी है तो करो, हमारे साहब बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, समझिए आप। नहीं, ये वो वाला किस्सा नहीं है। हाँ? वो वाला किस्सा है जो ऑर्गेनाइजर को थप्पड़ मार दिया था ना अपने शो पे। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ऑर्गेनाइजर का कसूर था, थप्पड़ खा लिया उसने। अच्छा। हाँ। क्यों क्या किया? मैं शो पे गया। हाँ। मेरे को कहता आपने पैसे लिए, अब गाना भी गाना पड़ेगा। अरे ये कोई होता है? है ये कोई? क्या मेरा वाइब्रेशन भालो। हाँ जी हाँ जी, क्या यूके में 10 शो है? हाँ सोहल साहब, 10 शो फ्री नहीं बैठे। अच्छा फिर अमेरिका जाना है? अमेरिका जा रहे हैं सोहल साहब, 20 शो कर रहा हूँ। सर 30 शो है अमेरिका में, सोनू निगम के देखने चले। ओ पागल है यार तू, छोड़ मैं, तू मेरा मैनेजर है, मैनेजर वाले काम कर। आज का शेड्यूल क्या 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 कर? हाँ जी शेड्यूल आज का बताता हूँ सर जी, जल्दी बता जल्दी। आपको सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सोहेल साहब, मीटिंग बिजी आदमी। फिर दिन के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक आपको अरिजीत सिंह से जलना है। एक मिनट,
चलना चलना, मैं ज्यादा गाने गा रहा हूँ, सुनो। फिर शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक हनी सिंह से चलना है और फिर उसके बाद रात को अपना वही प्रोग्राम मैं डर गया, कहीं जलना ही जलना, ठंडा भी होना ना, ठीक है भाई, गुड वेरी गुड। अरे एक मिनट, घर की घंटी बजी, को लगता है कोई आया है। देख यार, कोई बाहर निकाल, कोई बंदा है तो। अरे वाह, बरसात आई तो इधर अच्छा मिले। पागल, अपनी औकात मेरा जिसका काम उसी को साजा। सर जी हाँ जी, एक मिनट सर जी, मैंने दूध का गिलास रखा है, केसर रखा, मैं चलता। ओ, मैं थप्पड़ मारना तेरे, और शो बुक करवाने आई है पागल तू। अच्छा, ये सही बुक करवाने आई है यार, दिखने में तो ऐसी लगती है वो शादियों में सलाद काउंटर पे वो लड़कियां नहीं घूम रही होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं मिका जी से मिलने आ रही थी तो थोड़ी तैयार होकर आ गई। आपको याद है ना, मैंने आपसे फोन पे बात की थी। अच्छा अच्छा, बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट की 10 लाख लोग आने वाले हैं। सोहेल साहब, 10 लाख लोग। हाँ तो क्या हुआ, हमारे पाजी कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं है, पैसे की बात कीजिए। हाँ ठीक है, 20 लाख से 1 रुपया कम नहीं। 20 लाख? वैसे मैं बता दूं कि ये जो कॉन्सर्ट है ये गर्ल्स कॉलेज में होने वाला है। 1 रुपए से 20 लाख कम नहीं, फ्री ले जाओ वैसे। अरे पागल हो गए हो? गर्ल्स कॉलेज? अरे मार्केट खराब होगी सर। यार डिंक मिका डिंक। अरे मार्केट खराब होगी। पर पुंगी बजा के। अरे नहीं, मार्केट खराब होगी सर। गंदी बार, गंदी बार। अच्छा ठीक है, चल। बस कर। हाँ जी। सामने बैठे हैं बहुत लोग। अच्छा तो फीमेल सिंगर कौन आने वाली? उषा उत्तुप। उषा उत्तुप या अनुराधा पोडवाल लेना, तभी शो पे ध्यान देंगे, वरना बाबा इधर उधर ध्यान चला जाता है इनका भी। सुहेल भाई मेरे को बोलते, मैं रिहर्सल पे जा रहा हूँ। मैंने घर जाके की होल से देखा तो अंतरा कहीं पड़ा हुआ था, मुखड़ा कहीं पड़ा हुआ था। ठीक है यार। और एक मिनट, छाई तो बिखरी पड़ी थी, उसको उठा के मैं घर पे लेके गया हूँ पर्सनली। ओ भाई ठीक है यार, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद बंद, वो छेद बंद ही करवा रहा मैंने, जैसे देखता है। भूल गए हो क्या? क्या हुआ? मुझे पहचाना यार? कौन? मैं आपकी पार्टनर हूँ सारा। क्या? ये वो तू सारा? या फिर मैं सारा लूंगा, मिक्का बांटता नहीं, इधर आ जा। पागल हो गए हो? है ना? एक मिनट, सच्ची बात कहूं, जो भी है सारा, तेरे फंबलों में वक्त का पता नहीं चला यार। नहीं मैं सच्ची बोलूं, इतनी अच्छी कॉमेडी तू मनी मन में कैसे कर लेती यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिक्का, थैंक यू सोहेल साहब। क्या बात है! सबसे ज्यादा पता मुझे क्या मजा आ रहा है, जो मेरा मैनेजर है ना, वो तो जरा अरे वाह, वो सोच रहा होगा सारी बातें बताई किसने कृष्णा को। सर बताइए, आप बताने की बात कर रहे हैं, मैं खुद आपके फार्म हाउस रह चुका हूँ, सारी झूठ बातें बताई किसने कृष्णा को। लेकिन एक मिनट पाजी, ये तो चलो आप पुराने आपके दोस्त हैं। हाँ तुम बड़ा बोल रही थी। हाँ वैसे ये बड़ी फेमस लड़की है, कलर्स के एक शो में आ रही है, नागिन बनी है। कौन कास्टिंग करता यार, केचुए जैसी लड़की को नागिन बना दिया। सेक्सी नागिन। हाँ सुदेश जी, हाय कितने अमीर, फिर भी शक्ल से गरीब ही लगते हैं मेरे को। कितनी गाड़ियाँ बंगले, फिर भी ऐसे लगे कि पैसे दे दो भाजी। हाँ जी, ऐसे कर रहे हैं। इतनी बातें करी, खुद का मुंह देखा गेंडे जैसा। ऐसा लगता है गेंडा इतनी स्पीड से भाग के दीवार पे मुंह मार दिया उसने, चपाट। वाह, थैंक यू कृष्णा जी इज्जत देने के लिए। लेकिन मैं बोलूं, ऐसे लड़के ना लड़कियों के सामने बड़े मर्द बनते हैं। हाय हाय अनीता, मैं घर छोड़ दूं? कभी घर जाके देखो, पिंक नाइटी पहन के सोए होते।
लोग जवान होते हैं, हट्टे कट्टे होते, खुशी होती है। कृष्णा लंबा हुआ रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मामा की पैंट नहीं आनी अब। चलिए जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। तो सोहेल भाई, देखा आपने, मिक्का पाजी तो बहुत मजे ले रहे हैं, और कब तक अकेले मजे लेते रहेंगे? हम चाहते हैं कि आप भी वहां पर जाएं, आपकी भी थोड़ी मेहमान नवाजी हो। अब दोनों भाइयों को कंधा मिल गया ऐसे करने के लिए। तो बड़े लोगों के बारे में बता रही है हमको, है इनके बारे में बताऊं? ऐसी लड़कियां होती हैं जो साबुत तरबूज खा जाती हैं पूरा का पूरा, और फिर एक घंटे तक अपनी माँ के ऊपर तरबूज के बीज उड़ा रही होती है। वाह जी वाह, कौन बोल रहा है जो खुद मामा की जूठे आम खाता है? अब ज्यादा बकवास की ना, तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के ऐसी पिटाई करवाओगी ना, पता चलेगा। अगर लोगे, हमारे स्टेज के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से आ सकता है? अरे भैया, वो एक्टर भी है हमारा, मुबीन। मुबीन एज सिक्योरिटी गार्ड और अनीता एज अनीता। ओह माय गॉड, सोहेल खान, क्या बात है सोहेल भाई, बहुत दिनों बाद मिले, हाल चाल पूछना तो बनता है। कैसे है सलमान भाई? मिक्का भाई जी भी आए हैं, क्या बात है। जोरदार तालियां बजाने से पहले, अरे पूरी बात सुन लो, जोरदार तालियां बजाने से पहले सारी लड़कियों के पीछे पीछे भगा दो, क्योंकि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, चश्मे के पीछे से पता नहीं कौन सा क्या इशारा कर दे। वैसे सोहेल भाई, आपको एक बात बताऊं, ये चश्मा ना मामूली चश्मा नहीं है, ये 3D चश्मा है। इसके बड़े फायदे, इसमें लड़की एकदम पास से दिखती है, लेकिन कभी कभी इसका नुकसान भी हो जाता है। एक बार इन्होंने चश्मा लगाया, सामने अनिल कपूर साहब आ गए, और इनकी छाती के बाल ऐसे आंख में छुपे हैं ना, ऐसे छुपे कि आंखें बाल बाल बची। मुझे सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं आके सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और मेरी मर्जी के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। Hey, कौन हो तुम? थप्पड़ मार दिया मुझे। तुम ही ने बाहर अनाउंसमेंट की थी ना कि अंदर बड़े बड़े स्टार्स आए हैं। हाँ हाँ, मैंने ही अनाउंसमेंट की। कहाँ हैं? कहाँ हैं बड़े बड़े स्टार्स? अरे मिक्का, मिक्का, मुझे मिक्का से मिला। अरे क्या कर रही हो पागल हो? मिक्का पाजी हैं, इतने शौकीन आदमी, एक बार जमीन पर दुपट्टा पड़ा था, पूरी जमीन खोद डाली, इस चक्कर में के अंदर लड़की होगी। अच्छा, मिलने नहीं दे रहे कम से कम ऑटोग्राफ? ऑटोग्राफ? अच्छा, ऑटोग्राफ याद आया, पता है अभी कुछ दिन पहले सोहेल भाई बहुत खुश थे, मैंने पूछा सोहेल भाई आप इतना खुश क्यों हैं, तो बोले आज मैंने एक ऑटोग्राफ दिया है। फिर क्या, 15 दिन बाद इनका आधार कार्ड बन के घर पे आ गया। और वैसे इस लाइन में भी मैंने बहुत नाम कमाया, अभी कल मुझे शेरा मिला था, मैंने कहा शेरा भाई तुम्हारा मेन काम क्या है, तो बोले मेरा मेन काम है पब्लिक के साथ साथ अरबाज भाई और सोहेल भाई को सलमान भाई से दूर रखना, क्योंकि ये बार बार फिल्म की स्टोरी सुनाने चले जाते हैं। तुम जैसे जोक्स मार रहे हो ना, मुझे पूरा डाउट है कि ये लोग ओरिजिनल है ही नहीं। नहीं है ना ओरिजिनल, सच सच बताओ। अच्छा मतलब तुम्हें ऐसा लगता है इनके भी डुप्लीकेट हो सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जब तुमने कह दिया कि वो ओरिजिनल है, हाँ। तो प्लीज एक बार मिक्का जी से मिलने दो ना। ओ, मिक्का जी कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कितना खतरनाक इंसान है वो। हाँ, यूट्यूब पे अगर कांड टाइप करो ना, तो सबसे ज्यादा वीडियो इनके बाहर आते हैं। वैसे यूट्यूब से मुझे याद आया, कल रात को जब मैं इंटरनेट पे बैठी थी ना, तो मैंने टाइप किया सोहेल खान की हिट फिल्में। हाँ, तो लिखा हुआ आया था कि हम भी ढूंढ रहे हैं, पता चलते ही आपको बता देंगे। मेरे सोहेल के बारे में एक शब्द मत कहना। अच्छा? वो मेरे हीरो हैं। बचपन से ही मेरी तमन्ना थी कि मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल सोहेल जैसे हों, जो 24 घंटे बस घर पे ही बैठे। घर पे ही बैठे मुझे अटेंशन दें।
अरे क्या बोल रहे हो, वो ऑलरेडी शादी शुदा है, तुम सारी सीमाएं लांघ रही हो, दो दो बच्चे उनके। दो बच्चे? हाँ। अच्छा तो मिक्का भी कितने हैंडसम लग रहे हैं शेड्स में, उनके साथ सेटिंग करा दो। ये लो, ये आंखों के डॉक्टर का कार्ड है, जाके घाट पोपड़ में जाके अपनी आंखें ठीक करवा लो, और जब तक ठीक करवाते हैं ना, जब तक तुम्हें हैंडसम लगते रहे। जाओ अभी इधर से, चलो चलो। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे मिक्का जी से 250 रुपए लेने हैं। 250 रुपए? हाँ। किस बात के 250 रुपए? मैंने बलविंदर सिंह फेमस हो गया देखी थी अकेले। टिकट के पैसे चाहिए। इस हिसाब से तो मुझे तुमसे और सोहेल भाई से 5000 रुपए लेने। किस लिए? मैंने तुम दोनों की कृष्णा कॉटेज देखी थी, आज तक मेरे सर में दर्द हो रहा है। कृष्णा कॉटेज बहुत बड़ी हिट थी, ओके, फ्लॉप नहीं थी, क्योंकि फ्लॉप फिल्में संडे को उतर जाती है, कृष्णा कॉटेज तो सैटरडे को ही उतर गई थी। ओह, हेलो सिक्योरिटी। हाँ, मुझे 15-20 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। क्यों? वो क्या है कि मेरा एक्ट खत्म हो गया, मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है, मैं जा रहा हूँ। ये क्या भारती, ये क्या है? हाँ जी सर। बर्नाल्ड सर, बोलो बाजी। अरे भैया, इसकी जरूरत पड़ेगी। बाजी रख, ये रख लीजिए सर। नहीं नहीं यार, एक्चुअली हम तो एंजॉय बहुत कर रहे हैं भाई, कमाल हो गया। क्या बात है, कमाल ही हो गया। फिर भी रखिए। क्या बात है भारती, हमारे पर तो मुक्के और लाते थी, मुझे लगता है इसके ऊपर गरम गरम तेल गिरने वाला है ना। क्या बात है, सच्ची बात है भैया, देखो इतना डेडिकेटेड है, हम सब लोग शूटिंग के कपड़े पहन कर आए हैं, ये खुद अपने काम से डायरेक्टली यहाँ पर आ गए। सिक्योरिटी वाला और वाकई सही कहा एकदम से। अनीता खुद अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, आपको पता है शीशे में कह रही है मेरा परफॉर्मेंस बिंदी लगा कर दी, बिंदी इधर लग गई, देखो मुझे ऐसे ही आगे कहती, ऐसे ही परफॉर्म किया। बिंदी है? हाँ? मुझे लगा मक्खी, मैं चप्पल मारने वाला था अभी। सच्ची में आप लोगों ने नोटिस किया, यहाँ मक्खी है, पैरों में बटरफ्लाई है, मिका पाजी कान खजूरा देखेंगे आप? अरे वहां कहा देख रहे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये साथ में है ना, इतना बड़ा कान खजूरा। मैं तो चाहूंगा यार इनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए यार। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और सोहेल भाई आप तो जानते हैं, हम लोग इतने टाइम से सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, सुपरली टैलेंटेड, आप लोगों के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, हट भाग इधर, भाग इधर। मिका पाजी पीछे ना एक पति पत्नी है, काफी देर से झगड़ रहे हैं, और झगड़े में आप लोगों का भी नाम ले रहे थे बीच बीच में, बहुत गुस्से में भी हैं, और मुझे पक्का पता है कि जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये आपके मुंह से वो शब्द जरूर बुलवाएंगे। क्या है भारती जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शकील जी और श्रुति का। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। आप सब तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन 125 करोड़ में जो 124 करोड़ मुझे नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं, मैं हूं श्रुति सेठ और आज मेरा जन्मदिन है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति ने ना मुझे सरप्राइज करने के लिए इतनी शानदार पार्टी रखी है, पर पता नहीं कहाँ रह गए। कहाँ हैं आप? बाथरूम में। वहाँ क्या कर रहे हो? रोटियां गरम कर रहा हूँ, आगे खिलाता हूँ तुझे। वैसे इतना वक्त क्यों लगाया, जल्दी क्यों नहीं आए? मैं अगर जल्दी आता ना बाथरूम से, ये दोनों खड़े हुए थे, शायद चले भी जाते। और जाके मेरे बारे में बात फैला रहे तो अंदर से बहुत बुरा है भाई ये। क्या ये दोनों सच्ची के हैं? नहीं नहीं, प्लास्टिक के, दबा सीटी बजेगी। आज मेरा जन्मदिन है, आज तो प्यार से बात कर लो। अरे आज ये मनुष्य छाई थी। भाई मेरी बीवी का जन्मदिन, मीका आया हुआ है, हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहन लो। क्यों? इस आदमी का पता नहीं, ये हेलमेट के अंदर घुस के भी अपना काम दिखा देता है। ऐसा कुछ नहीं है, खामखा उनका नाम खराब कर रहे हो। मीका जी को ना लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। उनको लगता है हर लड़की का मुंह समोसे जैसा और लिपस्टिक चटनी जैसी, मुंह मारो बस।
एक तो वो मेरे जन्मदिन पर आए हैं, हाँ, और तुम उन्हें ऐसे बेइज्जत किए जा रहे हो। सुनो, हाँ, उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे एक गिफ्ट देने वाले हैं। हैं? मैं नहीं पालूंगा गिफ्ट। मैंने बता दिया मैं कोई गिफ्ट नहीं पालूंगा, मेरे साथ गिफ्ट है, मैं वही पालूंगा बस। अबे मेरे साथ बच्चे रोते हुए आठवां गाता हुआ होगा, बड़ी बदनामी होगी हम दोनों की। इतने बड़े सिंगर के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो? कहा है का बड़ा सिंगर 12 नंबर का जूता पहनता है वो। ये तो जब सिंगर बनने का था ना इन्होंने, तो ये दिलेर पाजी की वजह से बने। वो कैसे? ये गया दिलेर पाजी का, पापा जी मैं सिंगर बनूं एक्टर, वो कह रहे तो सिंगर बन जा। बोला अच्छा आपने मेरा गाना सुना? बोला नहीं, तुझे एक्टिंग करता हुआ देखा मैंने। अच्छा अब क्या उन्हीं से बातें करते रहोगे? देखो ना उनके बगल में भी कोई आए हैं, उनसे भी बातें करो। पहचाना? पहचानता हूँ, अरबाज खान। अरे नहीं पहचान, मजाक है, सोहेल खान पूरी दुनिया जानती है इनको, इतने मशहूर, इनको तो सलमान खान भी जानता है। भाई परसों अनाउंसमेंट हुई है कि सलमान खान के भाई सोहेल खान आने वाले हैं, 15,000 लोग इकट्ठे हो गए। 15,000? हाँ, सब इन्हीं से पूछ रहे कब आएगा सोहेल। सोहेल भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी एक फिल्म आई थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, फाइट क्लब, तुमने देखी? ये क्या फिल्म थी। मैं थिएटर में गया हूँ, थिएटर कच्चा कच खाली। तुम यहाँ पर खड़े होकर बड़ी कॉमेडी कर रहे हो ना, बॉडी देखी है उनकी? हाँ। सिक्स पैक आब है, गुस्सा आ गया ना यहाँ के, मसल देंगे तुम्हें, 24 घंटे जिम में रहते हैं। वो तो घर वाले खुद कहते जिम में रहा कर, घर पर जिद करते मैं फिल्म बनाऊंगा, मैं फिल्म बनाऊंगा। हाँ तो फिल्म बनाई तो है। हाँ बनाई है, ऐसे नहीं बनाई, इसके पीछे स्टोरी है। सलमान भाई को बोला मैं फिल्म बनाऊंगा, सलमान भाई ने दो ऊन के गोले दे दिए, कह रहा पहले स्वेटर बना। तो फिर स्वेटर बनाया? अबे 30 ट्रक ऊन के खर्च हो गए, सारों के आस्तीन ऊपर नीचे कर दिया स्वेटर के। फिर सलमान भाई ने बोला अबे इतना ऊन लग गया, दो फिल्मों का पैसा लग गया इसमें, तुम फिल्म ही बनाओ भाई। तो फिर फिल्म बनाई? हाँ फिर फिल्म बनाई, सलमान भाई ने कहा वेरी गुड, अब तुम स्वेटर ही बनाओगे। देखो उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे सलमान खान का ऑटोग्राफ ला कर देंगे। ऑटोग्राफ ला, सलमान खान उनको ऑटोग्राफ नहीं देता। क्यों? सियाने आदमी ना चेक बुक पे ऑटोग्राफ मांगते हैं। वैसे सुहेल भाई मुझे एक बात बताइए, आपने आज तक अपने पापा के साथ काम क्यों नहीं किया? अबे करने लगे थे एक फिल्म में, शोले जब बनी थी ना इनको लिया, लेकिन सलीम खान साहब अकलमंद आदमी है ना, कहने यार बॉडी वाला रहीम चाचा बुरा लगेगा। अब कैसा लगता गांव में खड़ा होकर कहते इतना सन्नाटा क्यों है भाई। सलमान भाई को मेरा सलाम कहिए, क्या फिल्म बनाई है बजरंगी भाईजान, क्या बात है। अबे बच्ची को छोड़ गया है ना वो सीन, मैंने देखा मैं भी, मैं रो पड़ा, मैंने भी वही सीन किया, मैं भी एक बच्चा बांग्लादेश छोड़ के आ गया। ओए ओए, फिर इसने मुझे बहुत मारा। बताओ क्यों? अपना बच्चा छोड़ूंगा मारेंगे नहीं। जाओ लेकर आओ मेरा बच्चा। अबे दफा करना, तू है और हो जाएंगे, मसला नहीं कोई। अगर हमसे हंसी मजाक में कोई गुस्ताखी हो तो प्लीज हमें माफ करिए, ये शो का फॉर्मेट है, वरना हमारे दिल में आप लोगों के लिए सिर्फ नफरत है। इस बार मैं कहना चाहूंगा शकील भाई के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए दोनों के लिए, श्रुति जी के लिए, और द ग्रेटेस्ट टैलेंट्स वी हैव टू डू, बहुत बढ़िया शकील भाई, कमाल की जोड़ी है। जैसे मेरी जोड़ी है देख लीजिए आप, मैं उम्र में थोड़ा छोटा हूँ, सुदेश जी बड़े हैं, सारा मुझसे थोड़ी छोटी है, इनकी परफेक्ट जोड़ी है, दोनों बुड्ढा बुड्ढी। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय करा ये शो, इनका एक्ट, पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि इस बार मेरा थोड़ा कम था। और शकील भाई आप सीनियर आदमी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। मीका पाजी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी राहत भरी सांस लें, वहां जाएं आप थोड़ी देर के लिए, आप सिर्फ सोहेल भाई की बारी है। सोहेल भाई आप सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं? नहीं ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, हमें पता है आप क्या क्या करते हैं, और यही चीज लेकर यहां पर आ रहे हैं भारती, प्रीतम और करण, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। थोड़ा सा प्यार हुआ है तो
सलमान खान का भाई और पहले बार आई आई मम्मी ओह गॉड खैर मीका जी हाय रब्बा मीका जी आए हमारी लड़की भी कह रही हाय रब्बा कितों पर जाओ खैर मीका बाजी मुझे पता है मैं हॉट लग रही हूँ क्योंकि आप काफी देर से मेरा गोटा देख रहे थे आप सोच रहे होंगे कितनी हॉट एंड सेक्सी क्यों लग रही हूँ मैं क्योंकि मैं बनी हूँ सोहेल खान की पर्सनल सेक्रेटरी और देखिए ना सर कब से सो रहे हैं सर अभी और सोहेल सर सर उठिए ना प्लीज सर आप क्या कर रहे हैं सर आपको उठ के फिर से सोना भी है अबे ओ सोहेल सोहेल सर उठिए वरना पगार काट लूंगी हेलो सर हेलो चाय मेरे भाई चाय ना ना सर 12 बज के वो तो 9 से 11 आपका बेचने का टाइम था आज की दिहाड़ी गई बकवास मत करो मेरा शेड्यूल बताओ सर बहुत ज्यादा टाइट है पता मैं जब लिख रही थी ना मुझे कैसे कर पाएंगे सर मैंने पर पूरा लाइनअप किया है सर देखिए सर 12 बजे उठे ना 12 से 2 आपको जरूरी काम से सोना है हाँ सर और 2 से 4 वो तो आपको अर्जेंट काम के लिए सोने जाना है हाँ सर लेकिन 6 बजे के बाद आप जिम हो जिम में मेहनत से आपको सोना है लेकिन फिर जिम के बाद आराम से थक हार के घर जाके तो आपको सोना ही है बहुत बकवास कर रही हो तुम मेरे भाई अच्छा एनीवे साहब भूख लग रही है नाश्ते के लिए बाहर चलें नहीं सर इस बार आप चुराओगे हाँ हर बार मैं नहीं चुराऊंगी पता कैसे आदमी पसलियों पे मुक्के मारते अभी भी दर्द हो रही है देखो सेक्रेटरी मेरे भाई बहुत बकवास कर रही हो तुम काम की बात करो चलो काम सर काम बहुत ज्यादा आया सर एक मिनट सर काम से पहले इन सब में से मुझे चूज करना है ना क्या पहनना है नहीं सर पहनना तो झाड़ के आपको यही है ये धोने काम की बात करें सर काम सर आज ना एक प्रेस रिपोर्टर आने वाला आपका इंटरव्यू लेने सर कैमरा चल रहा यहाँ तो रिएक्शन सही दे दो लेकिन सर मैं सच में आपकी फैन हूँ यार ए हा हा क्या सर एक मिनट बात इतनी बेइज्जती वाली नहीं होती ये लोग हंस के खराब कर देते हैं क्यों हंसा तू है क्यों क्यों हंसा वो करता है काम है क्यों हंसा तू पागल नहीं नहीं सर ऐसी कोई इंसल्ट वाली बात ही नहीं थी पागल कहीं का बकवास मत करो काम की बात करो चलो नहीं सर आपकी तारीफ की बात बता रहा हूँ सर बहुत अच्छे हैं पता है कल एक छोटे बच्चे ने इनके साथ फोटो ली सेल्फी आए हाय सारा दिन अकड़ में ऐसे घूम रहे थे लेकिन सर ये क्या मतलब हुआ खुद का बेटा सेल्फी लो तो किस बात की अकड़ देखो मेरे भाई तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर रही हो काम की बात करो बुलाओ जिसको भी मेरा इंटरव्यू लेना है अभी बुलाती हूँ बदबू आइए भाई साहब ये सोहेल खान की तरह क्यों चल रहा है वो क्या है कि मैं सोहेल सर का बहुत बड़ा फैन हूँ मेरा बजट नहीं है ना सोहेल सर यहाँ पे एप्पल लगाते हैं मैंने 2 नींबू लगाए हुए हैं एक मिनट थैंक गॉड इसका नींबू का बजट है अगर अनारदाने का बजट होता हमें पता नहीं चलता किसका फैन है सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर प्लीज सर ऑटोग्राफ सर बनता है सर का ऑटोग्राफ पर्सनल पीए हूँ मैं मेरे से पूछ भाई का हाथ थक गया कल ऑटोग्राफ देते देते पता कल लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहे थे और लिख रहे थे विद लव सलमान खान देखा मैं कहा सर आप भाई को ऑटोग्राफ क्यों दे रहे हो अपना दो ना कहते मेरा चलता है मैं दे सकता हूँ मेरा लेंगे पक्का मारेंगे तो नहीं व्हाट लेकिन मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैंने इनका ऑटोग्राफ लिया हुआ है अच्छा फिर क्या किया फिर क्या बाहर जाके फाड़ दिया मतलब फाड़ दिया गीला हो गया था बारिश आ रही थी ना मैं तो गुदवाऊंगी सोहेलिया चलो ऑटोग्राफ रहने देते हैं एक काम करते हैं सर आपकी फिल्म का डायलॉग हो जाए सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर प्लीज सर सर एक मिनट अपनी हिट हिट कोई भी सुना मैं भाई एक बात जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता तो ये तो सलमान खान की फिल्म का डायलॉग है तो मुझे अपनी फिल्म का खुद डायलॉग नहीं याद लोगों को कैसे याद होगा मैं डांस की डांस कर सकता हूं सर मैं आपका डांस का बहुत बड़ा फैन हूं सर एक बार डांस हो जाए सर प्लीज सर म्यूजिक
सर 13 साल हो गए, चिल करते करते थोड़ा काम कर ले। सर आप एक डायरेक्टर हैं, एक प्रोड्यूसर हैं, एक एक्टर हैं, तीन तीन काम एक साथ कैसे खराब कर लेते हैं सर? देखो रिपोर्टर मेरे भाई, तुमने शायद मेरी फिल्म जय हो नहीं देखी। मैं बात करती हूँ सर इससे, चिरकुंडे तूने जय हो नहीं देखी सर की? क्या बात है, क्या फिल्म थी सर। आपको पता जय हो में एक ऐसा सीन था ना जिसपे ऑडियंस को बहुत मजा आया। कौन सा? जब एग्जिट डोर खुला। मैंने खुद देखा, इतनी इतनी छलांगे मारी, कहते हाय बच गए जय हो। मैं भाई तुम मेरी क्यों बेइज्जती कर रहे हो? अरबाज ने भी तो बनाई डोली की डोली। उनकी मैंने थोड़ी बेइज्जती करनी सर, उनकी उनके पापा ने बेइज्जती कर दी। अरबाज सर ने डोली की डोली बनाई ना, सलीम अंकल ने इतना डांटा मैं क्या बोलूं। क्यों? ले उनकी 1970 की कोई रिजेक्ट की स्क्रिप्ट पे फिल्म बना देगा तो गाली तो पड़ेगी ना। सर सर आप रो रहे हो? हंस रहा हूँ भाई की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसे ही हंसता हूँ। अरे तुम क्या बेस्ती की जा रही हो? हाँ इनके फैंस ने बुरा मान लिया तो? और दो तीन लोग भड़क जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं भाई गलत कर रहे हो, पता सलमान भाई से पहले किक मुझे मिली थी, मैंने रिजेक्ट कर दी, मुंह पे मना कर दिया। हाँ कहते सेल्फ स्टार्ट का जमाना, किक कौन मारे चप्पल टूट जाती है ना। फिर बेस्ती की जा रही हो, बुरा मान जाएंगे। देखो मैंने कहा था ना जब बड़े लोग आए तो मेरी बेइज्जती नहीं करना। हाँ तो सर ये आए ना, जब बड़े आएंगे तो नहीं करूंगी। ओ सॉरी, लेकिन एक बात कहूँ सोहेल सर, मीका जी हाय कितनी टांग खींचने फिर भी हंस रहे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे, इतनी भी शर्म नहीं है दोनों को? इतनी भी शर्म नहीं है कि बंदा खड़ा हो जाए, कैमरे वाले को थप्पड़ मार दे, इनको धोए आके चैनल को प्रोमो बनाने का मौका दे, हंस रहे। हाय हाय सर इतना भी टीवी में आने का क्या शौक है, इतना भी क्या लालच भैया। लेकिन एक बात, उस कुर्सी पे वही बंदा बैठ सकता है जिसके दिल में पैसों का लालच हो। पैसा लेके बेचती हाय भैया, फिल्में बना के कमा लो, चलो। वाह, मैं वैसा नहीं लगता, ऐसा लगता सूखी हुई सुष्मिता सेन। ये देखिए हैं, कैसा लगा परफॉर्म करके करण? अच्छा लगा। अच्छे है ना, मर्दों के रानी मुखर्जी है। आवाज भी अच्छे लगे। एंकरिंग करने का बहुत शौक है इनको टेलीविजन पे, इतना शौक है किसी के दादाजी मर रहे थे, वेंटिलेटर का पाइप निकाल लिया, दादाजी को बचाने के लिए टाइप कीजिए 5 to 5 to 5। सामने से मैसेज आया, दादाजी नो मोर। वाह वाह, अरे भाभी का शो है, गंदी गंदी बातें करते हो शो पे, है भाभियों से इतनी बातें करते हो भैया, के नाश्ते में पेटीकोट खाते हो आप? और ये देखिए, ऐसा लगता है 10 किलो आटा गूंद के रखा हुआ है किसी ने। सबकी बातें करती है ये, इनकी मम्मी जब आटा गूंदती है ना तो आटा गूंदते गूंदते हाय बेटी का मुंह बन गया, हाय फिर बेटी का मुंह बन गया। क्या बात है यार, बड़ा अजीब लगता है जब खुद गोविंदा के टुकड़ों में पलने वाला बंदा ऐसी बात बोले। शुक्रिया। सोहेल भाई जैसे आप इग्नोर कर रहे हैं, मैं भी इनको इग्नोर कर देता हूँ। मुझे पता है सोहेल सर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं चाहती हूँ आप पूरा गुस्सा मेरे पे निकाल दो, इधर आके मुझे कस के मेरे कान के नीचे। मेरे से अच्छा नाचता। थैंक यू करण एंड प्रीतम, जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। चलिए सर। मुझे तो आदत है मीका पाजी, हाँ जी कुछ कह रहे हैं। मुझे तो आदत है कि लोग अक्सर मेरी अच्छाइयां और बुराइयां करते रहते हैं जी, बट सोहेल भाई तो पहली बार बैंड मार दी। शोले पिक्चर में गब्बर सिंह बोलता है संजीव कुमार को, हाँ याद है, उस दिन तुम तमाशा देख रहे थे, आज मैं ही तमाशा देखूंगा। लेकिन सर अब आप भी उधर बैठोगे और हम तमाशा देखेंगे, आ जाओ। आइए आइए सर आइए।
जसीम और पूजा जो बड़े हैं बॉलीवुड के काम वाला और देवर देवा काम वाली बाई। मीका पाजी पूजा, मीका पाजी पूजा, पूजा पाजी पूजा, पाजी पूजा। हेलो शिल्पा जी, हेलो मीका पाजी, कैसे हैं आप? माई सेल्फ नसीम और मैं नौकर हूँ। मैंने इंडस्ट्री के हर सक्सेसफुल राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर पे काम किया है, शायद इसीलिए इनका घर रह गया। वो असल में जब आपकी शादी नहीं हुई थी ना तो आप सब लोग एक ही घर में रहते थे, उस वक्त मैंने इनके घर पे काम किया था। तो जब मैं पहली बार पूजा इनके घर गया ना तो मैं तो डर गया। काइकू? अरे इतनी सारी सेलिब्रिटी एक साथ में बैठी हुई थी। हाँ। इधर मैंने देखा सलीम अंकल अखबार पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने देखा अरबाज भाई वर्ल्ड फेमस बिजनेस मैगजीन के ऊपर बैठ के लूडो खेल रहे थे। सलमान काय करत होता? तुझे पता है वो मम्मी पापा के बहुत क्लोज हैं। हाँ। वो पापा की कुर्सी के साथ टेक लगा के ना तो गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे थे। अरे सोहेल साहब काय करत होते? मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा सोहेल भाई किधर है? कहते बेटा उसने बहुत जरूरी ख्वाब देखना था, वो सो रहा है। सोहेल भाई ये पूजा है, तो ये टॉप की हीरोइन होती, तो अभी अभी नई नई ये नौकरों की फील्ड में इंट्रोड्यूस हुई है, तो टॉप की हीरोइन होती वो पता क्या है, इसका कोई भाई नहीं है इंडस्ट्री में। इसलिए बेचारी काम वाली बन गई है। आपसे पहले मीका पाजी से भी इसका इंट्रोड्यूस करवाया था, मैंने कहा ये काम वाली है, तो मीका पाजी कहते हैं ये तो अपने काम वाली है। मैंने कहा पाजी ये कैसी दिखती है? कहता हूँ ये दुनिया की पहली कुड़ी है जो जाते हुए भी अच्छी लगती है और आते हुए भी अच्छी लगती है। आए, आए, आए। इसको बोलो जरा आती जाती रहा करे। अरे तुमने तो मीका साहब के यहाँ पे भी काम किया है ना? हाँ हाँ, मीका जी तो बड़े डाउन टू अर्थ हैं। तुमने तो इनके गाने देखे हैं, कितनी हॉट हॉट लड़कियाँ होती हैं उसके अंदर। हाँ, मुझसे कम, लेकिन फिर भी ये फुटपाथ पे बैठी लड़कियों को घूरते रहते हैं। ये तो आंखों आंखों में लड़की को ऑटो में भी बिठा देते हैं। साड़ी के फॉल सा तुझ में जिया रे कभी जोड़ दिया दे। ओके। नौकरों का बड़ा ख्याल करते, मुझे कहते देख नसीम तू मेरे घर में नौकर है ना, मैं तेरी हर चीज का ख्याल करूंगा, तो कुछ भी खाएगा पहले मैं चेक करूंगा, इतना प्यार करते हैं। मैंने कहा मुझे खाना खाना कहते सब्जी पहले मैं चेक करूंगा, मैंने कहा मैंने दूध पीना कहते पहले मैं चेक करूंगा, मैंने कहा मुझे एप्पल खाना कहते पहले मैं चेक करूंगा। फिर तू ये देव मानुष हुए, इतने अच्छे इंसान है ये? फिर ये अच्छे इंसान है, एक दिन मेरे मुंह से निकल के मुझे राखी बहुत अच्छी लगती है। इनको छोड़, तूने सोहेल जी के यहाँ पे भी काम किया है ना? सोहेल भाई तो बहुत अच्छे इंसान है। वो इनकी फिल्म आई थी ना हेलो ब्रदर। हाँ। तो वो थोड़ी अच्छी नहीं गई ना, तो उसके बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इनको इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, इनको कोई फोन के ऊपर भी हेलो बोलता ना तो उसको गुस्से में कहते तू हेलो, तेरा बाप हेलो, तेरी पूरी फैमिली है ना हेलो। ऐसे है? हाँ नहीं नहीं, आदमी बड़े स्वीट है। एक दिन अपने पापा को कहते कि पापा अब आप लोग आराम किया करो, हम लोग हैं ना कमाने के लिए। तो पापा पता क्या कहते? कहते सोहेल कमाने तक की तो बात ठीक है, ये साथ जो शब्द लगाता ना कि हम लोग, ये कब तक लगाएगा? मेरे को ऐसा लग रहा है तेरे को तो काम से निकाला ही छे, जो मेरे को काम देने वाले थे ना अभी वो भी नहीं देंगे तेरे बातों से। ये बात तू मत कर, तुझे काम से निकालेंगे। पागल हो गई है तू, काम से निकालेंगे मुझे, तुझे तो बाहर से भी काम मांग के देंगे। ये तो सही है, ये तो डर। अरे पागल, तुझे तो वो काम भी देंगे जो उनको खुद को नहीं आता। अरे तू एक कॉमेडी करना, सच मत बोलना। माफ कर, माफ कर। सोहेल भाई इतना गौर से आप इसको मत देखो, इसका सिर्फ नाम ही पूजा है, वरना ये अच्छों अच्छों का ध्यान जो है ना भगवान से हटा देती है। अरे इनको नाम से नहीं फर्क ना पड़ता। हा? वरना तो राखी भी पवित्र नाम ही है ना। अच्छा इधर अटैक। थैंक यू जी, क्या बात है, जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। हाय हाय, क्या बात है, पूजा कितना बोल रही थी, कितना बोल रही थी। सोहेल भाई का तो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ नाभि से कोल्ड ड्रिंक ही खोलेंगे। लेकिन ये मीका जी है ना, इनको लड़कियों पे गुस्सा आ रहा है, बेल्टों से मारते, मेरा हाथ नहीं जा रहा, वरना मैं निशान दिखाती।
कितनी प्यारी लगती ना, इतनी सी नाभी, हाय रब्बा। आपको पता है ऐसी लड़के मेकअप के बाद बहुत सुंदर लगती है। हाय हाउ आर यू, कभी रोते हुए देखो, ऐसा था हलवाई की बेटी है। हाय मम्मी, एक मिनट, किसी को नहीं पता ना था ना इधर, इसी को पता है ना कि मेरे पापा हलवाई है। पूछो कैसे कैसे है? मेरे बाप की सारी मिठाइयां यही खा गई। क्या बात है। लेकिन ना मुझे ये नसीम भाई बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को ना जब भी आते हैं ना, मैं गौर से देखती हूँ, मुझे लगता है मैं कभी बॉयकट करा लूंगी ना सर, तो मैं इनकी जैसी दिखूंगी। खुद की बेइज्जती कर रही। हाय हाय। नहीं, लेकिन नसीम जी ना बहुत सीधे साधे लगते हैं, मतलब बाहर भी देखें चुपचाप खड़े रहते हैं, एक कॉमेडियन लगते नहीं। ऐसा लगता है इनसे 10 मिनट बात कर लोगे तो 500 रुपए मांग लेंगे। ऐसे आ रही। हाँ जी मेकअप बाजी। कृष्णा बाजी, आप भी कोई ना अमीर आदमी नहीं दिखते, दिखते ही हो ऐसे। एक दिन ना इनके अंदर 5 वाला सिक्का चला गया, तो लोगों को कहते भाई यार बस एक जगह पेमेंट फंसी, बस निकला फिर दे दूंगा। आजी बाजी परफॉर्मेंस ठीक सी कुड़ी थी। गुजा, आई लव यू। मैं नसीम भाई और ये हैंडसम बंदा जो है शकील हैंडसम नहीं। ये अपना करण वाही हो गया। करण वाही फिर तुम प्यार का तो भी नाम ही नहीं हुआ, जब होगा तो बात करेंगे। और जितने भी मर्द बैठे उनको जलाने के लिए एक ही बात बहुत है, पूजा प्लीज हग मी। वैसे सर ये हमारे वार कैसे लगे आपको, अच्छे लग रहे हैं? बचाओ! सर जैसे हमने आपकी शान में 4 चांद लगाए हैं, हम भी चाहते हैं कि आप अपने पिंक लिप्स और आप अपने सिंगिंग वाले लिप्स से हमारे बारे में भी थोड़े 4 चांद लगा दीजिए। यस, जोरदार तालियां दोनों के लिए। जब सुदेश और कृष्णा बात कर रहे थे कि उनकी केमिस्ट्री है, सिर्फ इनकी केमिस्ट्री स्टेज में नहीं, बैक स्टेज में भी है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि सुदेश भाई के जो बच्चे हैं वो कृष्णा की तरह लगते हैं। <Hey, seriously? laughs> और अगर पूजा को चिढ़ाना है ना तो कुछ नहीं, आज जो उसके साथ जो बैठा है ना उससे हक कर लो। और मुबीन तेरी शक्ल ही ऐसी है। सही में ये तो तू कभी कभी अच्छा भी लगता है। सही में शक्ल कैसी है? और मेरी जान श्रुति, मैं श्रुति के बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो सीनियर एक्ट्रेस है, उसके बारे में कुछ बारे में। जब आया था मैं तो मैं एक मैनिटी मैन लेके आया था, लेकिन वो जो मैंने स्टंट किया ना वो भारती को उठाने के बाद अभी मैंने एम्बुलेंस बना लिया अपने लिए, वापस एम्बुलेंस में जाऊंगा। अभी सोचो इनके बारे में ऐसा बात करना, एज इन इतना झूठा लगता है, लेकिन क्या करें, पैसे मिले। थैंक यू गाइस, वी एंजॉयड आवरसेल्फ। थैंक यू द ऑडियंस, थैंक यू ऑप्टिमिस्ट। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.